ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज हम देखेंगे ग्रेविटा की टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेस के बारे में जानने के लिए आप कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे 2 साल से एक सुपर्ब अपट्रेंड चल रहा है एंड इसके पीछे इसके फाइनेंशियल्स है जो हम थोड़े टाइम में देखेंगे। डेली चार्ट पे स्टॉक ब्लू स्काई जोन में है एंड इसका पहला सपोर्ट 558 के आसपास है। लेट्स टेक अ लुक एट द वैल्यूएशंस एंड देन फिगर कि हमें क्या करना चाहिए। एज यूजुअल वी गो टू आवर DCF मॉडल। यहाँ पे मेरा बेस असम्पशन है कि कंपनी के पास एटलीस्ट 7 years ऑफ हाई ग्रोथ है, बिकॉज इन्होंने अभी तो सिर्फ लेड पे ही हाथ जमाया है। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर एंड इनके फ्यूचर प्लान तो अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए हैं। जिस हिसाब से ये कैपेक्स कर रहे हैं, इन्हें 25% रेवेन्यू ग्रोथ रेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनके मार्जिन्स काफी लो हैं, बट बिजनेस ही ऐसा है कि वैल्यू एडिशन ज्यादा नहीं होता है इसमें। कंपनी का रीइन्वेस्टमेंट रेट करंटली बहुत हाई है एंड आई हैव बॉट इट डाउन टू इंडस्ट्री एवरेजेस एज दे विल नीड टू डू मोर कैपेक्स इन द फ्यूचर फॉर प्लांट्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का ठीक ठाक है बट इज अ लिटिल हाई। दैट बीइंग सेड, ये सब करके मेरा वैल्यू आया अराउंड 910.7, व्हिच मेक्स द कंपनी अंडरवैल्यूड ऑन आवर बेस असम्पशंस। बट स्टिल टू बी श्योर, आई रैन अ फ्यू सिमुलेशंस वेयर रेवेन्यू ग्रोथ रेट वाज between 20 to 25% and margins between 9 to 15% and the price I estimate is between 750 and 950. So technicals and valuations मिला के मैं क्या करूँगा? Well, fundamentally company undervalued लग रही है and trend भी strong है, so I would be comfortable purchasing it here. But remember, this is my story and I could be wrong. Moving on to the financials of the company, कंपनी का market cap 5,580 crores के आसपास है, ROE 32 का है and ROE 42 के आसपास है, stock का P 27 के आसपास चल रहा है। फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एंड यू शुड बी एबल टू सी के व्हाई इन द वैल्यूएशंस आई वाज ओके विद द हाई ग्रोथ रेट। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द सेगमेंट रेवेन्यू। कंपनी के मार्जिन्स एज डिस्कस्ड अर्लियर लो हैं, बट दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस दे आर इन। कंपनी के पास अदर इनकम है, बट टेक अ लुक हियर, इनकी अदर इनकम है बिकॉज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली कंपनी को उनके प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस लॉक इन करने देता है एंड इन एसेंस हेजिंग के लिए हेल्प करता है। ऑफ कोर्स दिस कुड बैकफायर एज दे माइट आल्सो लीव मनी ऑन द टेबल इफ देयर बेट गोस साइडवेज, जो इनके अदर एक्सपेंसेस में शो अप करेंगे और इस वजह से इनके मार्जिन्स भी वॉलेटाइल है। लेकिन मेरे FNO ट्रेडिंग वाले धुरंधरों, ये सब चीजें ऐसे यूज होती है, कसिनो की तरह नहीं। चलो एनीवेज, इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी के पास, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है एंड नेट प्रॉफिट सुपर्बली बढ़ रहा है। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है एंड बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स है कंपनी के पास, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इन्हें और बढ़ानी चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करने के लिए एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ रहा है। इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो कैपेक्स की वजह से हुआ है एंड फाइनेंसिंग में आउटफ्लो बोरोइंग्स रीपे करने की वजह से हुआ है। कंपनी का डेटर डेज कम हुआ है एंड सीम्स टू बी गेटिंग स्टेबल। इन्वेंट्री डेज स्लोली कम हो रहे हैं एंड डेज पेएबल 2 हफ्ते के आसपास है। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा लंबा है बट दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट एंड कंपनी का रोज सुपर्ब है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने हल्का स्टेक कम किया है। FIIs ने अपनी होल्डिंग 3x बढ़ाई है। DIIs एंड पब्लिक ने हल्का स्टेक बढ़ाया है एंड ये अदर्स बेसिकली ग्रेविटा एम्प्लॉइज का वेलफेयर ट्रस्ट है। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड चेक आउट दिस नेक्स्ट एंड इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, we try to do 2 uploads per week, one analyzing the business mostly on Tuesdays and on Fridays discussing the technicals, valuations and financial health of a company. So make sure you subscribe to not miss out on that.